Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुहानी ठाकुर एंड माई टॉपिक इज़ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ईडीई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में दो टाइप के इफेक्ट आते हैं, एक परमानेंट इफेक्ट और एक टेम्परेरी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट में तीन टाइप के आते हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। एक प्लस आई रहता है और एक माइनस आई। जो प्लस आई वाला रहता है वो इन्वर्सली रहता है ई एन के, और जो माइनस आई वाला इफेक्ट रहता है वो डायरेक्टली रहता है ई एन के। तो प्लस आई का ऑर्डर ये है और माइनस आई का ये है। तो इसकी ट्रिक, प्लस आई की ट्रिक होती है कार नहीं ओला कार, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, TDH। और जो माइनस आई की ट्रिक रहती है, ना फातिमा ना ऋतिक शाहरुख ना हीना, ओमपुरी सलमान, CN CHO, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, OROH, NR2 नहीं बेंजीन है। तो ये प्लस आई और माइनस आई की ट्रिक हो गई। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस कर लेते हैं। और प्लस आई जो इंडक्टिव इफेक्ट रहता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट रहता है। अगर हम किसी बेंजीन के ऊपर प्लस आई वाला ग्रुप कर दे और उसमें हमें बताना है कि जो दूसरे ग्रुप है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो प्लस आई वाला इफेक्ट प्लस आई के साथ ही स्टेबल रहेगा। तो जो क्लोरीन है वो माइनस आई इफेक्ट है और हमें प्लस आई के बारे में पूछना है, तो ये अनस्टेबल है। सेम ब्रोमीन भी माइनस आई इफेक्ट है पर हमें प्लस आई के बारे में पूछना है, तो ये भी अनस्टेबल है। NF3 माइनस आई इफेक्ट और हमें प्लस आई के बारे में पूछना है, तो ये भी अनस्टेबल है। और जो NH है वो प्लस आई इफेक्ट है और हमें भी प्लस आई इफेक्ट के बारे में पूछना है, तो ये स्टेबल है। तो ऐसा ही सेम हम माइनस आई इफेक्ट के साथ भी क्वेश्चंस करेंगे। अगर हम बेंजीन के ऊपर माइनस आई इफेक्ट लगा दिए तो जो क्लोरीन ब्रोमीन NF3 और NH है, हमें बताना है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो माइनस आई वाले इफेक्ट माइनस आई से ही स्टेबल हो गए। तो क्लोरीन माइनस आई इफेक्ट है, तो ये स्टेबल है। ब्रोमीन भी माइनस आई इफेक्ट है और हमें माइनस आई के बारे में भी पूछ रहा है, तो ये भी स्टेबल है। NF3 माइनस आई इफेक्ट है और हमें माइनस आई के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी स्टेबल है। और जो NH है वो प्लस आई इफेक्ट है पर हमें माइनस आई इफेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो ये अनस्टेबल है। तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट खत्म हो गया। अब हम मेसोमेरिक के ऊपर आएंगे। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के रहते हैं, वैसे मेसोमेरिक इफेक्ट भी दो टाइप के रहते हैं, एक प्लस एम रहता है और एक माइनस एम। जो प्लस एम वाले इफेक्ट रहते हैं वो लोन पेयर पे डिपेंड करते हैं, उन्हें लोन पेयर चाहिए रहता है, तो लोन पेयर डिपेंडेंट। सेम प्लस एम वाले इन्वर्सली रहेंगे ई एन के और जो माइनस एम वाले हैं वो डायरेक्टली रहेंगे ई एन के। तो ये प्लस एम इन्वर्सली रहता है ई एन के और माइनस एम डायरेक्टली रहता है ई एन के। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट था, पर जो मेसोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसके भी सेम वैसे ही क्वेश्चंस कर लेंगे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में किए थे। ये प्लस एम का ऑर्डर है और ये माइनस एम का ऑर्डर है। तो प्लस एम, पहले जैसे मैंने बोली थी कि प्लस एम वाले प्लस एम से ही स्टेबल रहेंगे, तो इसमें भी CH2+ लगा लें और हमें बताना है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। क्लोरीन ब्रोमीन NO2 और CN। तो जो प्लस एम वाले हैं, हमें बताना है कि क्लोरीन प्लस एम में आता है, तो प्लस एम से ही स्टेबल रहता है, तो ये स्टेबल है। सेम ब्रोमीन भी हैलोजन है, वो प्लस एम में आता है और प्लस एम का ही ऑर्डर पूछा है तो ये भी स्टेबल है। NO2 माइनस एम में आता है और हमें माइनस एम का ऑर्डर प्लस एम का ऑर्डर पूछा है तो ये अनस्टेबल है। और CN भी माइनस एम में आता है और हमें प्लस एम का ऑर्डर पूछा है तो ये भी अनस्टेबल है। सेम माइनस एम वाले में भी हम करेंगे, माइनस एम का भी ऐसे ही करेंगे। माइनस एम वाले इफेक्ट से ही स्टेबल रहता है, तो क्लोरीन प्लस एम है तो ये अनस्टेबल होगा। ब्रोमीन भी हैलोजन है, प्लस एम में आता है और हमें माइनस एम पूछा है तो ये भी अनस्टेबल होगा। NO2 माइनस एम है और हमें माइनस एम के बारे में पूछा है तो स्टेबल हो जाएगा। और CN माइनस एम है और हमें माइनस एम के बारे में पूछा है तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट हो गया। अब हम हाइपर कॉन्जुगेशन लास्ट वाले में आते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के भी दो टाइप होते हैं, एक प्लस एच और एक माइनस एच। ये भी दो, इसमें भी दो आते हैं, एक प्लस टाइप के आते हैं, एक प्लस एच और एक माइनस एच। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है, जो sp2 जो डबल बॉन्ड रहता है वो डायरेक्ट अटैच रहना चाहिए sp3 जो सिंगल बॉन्ड कार्बन से। इसमें हम देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने ज़्यादा, जिसके सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो इसके हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट रहता है। इसमें हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ पे टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके टोटल अल्फा हाइड्रोजन 3, 6, 7, 8 और 9, 10। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन 10 है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन 8 है। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन फर्स्ट वाले में और सबसे कम सेकंड वाले में। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम बताएंगे, तो फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल है सेकंड से। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब लास्ट में हमें बताना है कि इन तीनों में अगर तीनों इफेक्ट आ गए और हमें उसमें क्वेश्चन आ गए तो हमें पता रहना चाहिए कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल इफेक्ट कौन सा रहता है। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल रहता है वो मेसोमेरिक रहता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन रहता है और लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबल रहता है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मेसोमेरिक इफेक्ट की होती है। तो थैंक यू।